चतरा जिले के चखोरी के भद्रकाली मंदिर स्थित महोत्सव मैदान में 24 सितंबर को आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और जिसमें राज्य के मुखिया यानी के सीएम हेमंत सोरेन शामिल होंगे। यहां से आपको बता दें कि जहां से सीएम चतरा और कोडरमा जिले के संबंधित विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे, जिसको लेकर के तैयारी जो है वो पूरी कर ली गई है, जिसका जायजा लिया है संवाददाता अनुज कुमार पांडे ने। आप भी देखिएगा रिपोर्ट। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को लेकर कल सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस स्थल पर माता भद्रकाली की इस जमीन पर जिसे महोत्सव स्थल भी कहते हैं यहां पर लगभग 1,500 करोड़ के परिसंपत्तियों का वितरण करेंगे। साथ ही जो इस क्षेत्र के जो लोग हैं उनको कई सौगात भी देंगे। आपको पता ही होगा कि झारखंड सरकार ने कई ऐसे अति महत्वाकांक्षी योजनाओं का शुरुआत अपने कार्यकाल में की है जिसकी चर्चा चारों तरफ हो रही है। आज आप कह सकते हैं चाहे वो बिजली की बिल की माफी हो या फिर मैया सम्मान योजना के तहत प्रत्येक महिलाओं को 1,000 रुपये प्रत्येक माह एक पुरस्कार की राशि के तौर पर मान्य झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हाथों दी गई। ये जो कार्यक्रम है ये कार्यक्रम कई मायने में महत्वपूर्ण है क्योंकि यह चतरा और सिमरिया लोकसभा की धरती है। यह इस बीचों बीच कह सकते ऐसे ये सिमरिया है, ये जो स्थल जहां पे माता भद्रकाली की जमीन महोत्सव का स्थल है ये सिमरिया है, लेकिन ये चतरा और सिमरिया को जोड़ता है। कहीं ना कहीं इस जगह से एक ऐसा संदेश देने का प्रयास सूबे के मुख्यमंत्री करना चाह रहे हैं जिससे सरकार की जो जितनी भी योजनाएं हैं वो लोगों तक पहुंच सके और आने वाले जो विधानसभा चुनाव है उसमें उसका फायदा भी महागठबंधन यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा राजद और कांग्रेस को हो पाए। देखिए यहां इसी जमीन के है सत्यानंद भोक्ता जो माननीय श्रम मंत्री उद्योग मंत्री अभी झारखंड सरकार में है, काफी प्रसिद्धि उनकी है और उन्होंने ये जो कार्यक्रम है इस कार्यक्रम को कई जगहों से टाल कर उसे भद्रकाली मंदिर पहुंचाया। पहले ये चतरा की धरती पर होने का पूरा प्रोग्राम लगभग तय हो चुका था लेकिन बाद में माननीय जो श्रम मंत्री है उनके द्वारा इस स्थल को चूज किया गया क्योंकि यह कहीं ना कहीं माता भद्रकाली का स्थल है, तीन धर्मों का संगम स्थल है और साथ ही ये जो स्थल एक ऐसा स्टेज है जहां से जो भी बातें होगी वो पूरी तरह से चतरा के लोगों को कनेक्ट करेगा। यहां पे देख सकते हैं कि ये जो व्यवस्था की गई है इस बार इस महोत्सव स्थल पर लगभग 40,000 से 50,000 लोगों को बैठने की व्यवस्था की गई है, कुर्सियां लगाई गई है। आप देख सकते हैं ये जो स्टेज है वो काफी बेहतर तरीका से स्टेज तो आप देख सकते हैं मेन स्टेज से काफी दूरी पे कटवा करके यहाँ पर आएंगे, यहाँ से भी संबोधित करेंगे लोगों को और कनेक्ट होंगे जो माताएं हैं जो यहाँ के जो लोग हैं चतरा जिले के उन लोगों से।